नमस्कार मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, वन रैंक वन पेंशन इक्वल एमएसपी और ऑनरी कमीशन रैंक और सारे जितने भी ओआरएस एंड जेसीओ हैं सभी भूतपूर्व सैनिकों को मेरा राम राम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज दिनांक 16 अगस्त की सैनिक खबरों में बहुत सारी न्यूज लेके मौजूद हुए हैं, तो सभी भूतपूर्व सैनिक व पेंशन धारक ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज की जो अपडेट लेके मौजूद हुआ हूं मैं, इसमें तमाम सैनिक खबरें हैं। जी हां, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि क्या लाल किले से मोदी ने क्या ऐलान किया 15 अगस्त को, ओआरओपी का क्या अपडेट है, इक्वल एमएसपी पर कहां केस चल रहा है और कितना उसका अभी तक चला है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका काम बनता है कि आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझे, और नीचे देखो लाल कलर का एक बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल कलर का बटन है। तो मैं आज की जो न्यूज़ है उसमें बहुत सारी आपको न्यूज़ अपडेट देने वाला हूं, तो आप लोग क्या कीजिए, नीचे देखिए एक लाल कलर का बटन है, उसको दबा लीजिए। सबसे पहले मैं इक्वल एमएसपी पे देता हूं। आप सभी को पता होगा इक्वल एमएसपी पे दूसरी, आप देखिए जो मैंने जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं ये सब मैंने पिक किए आपके कमेंट से। हमारे भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या अपडेट चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, तो मैं उनको सब कुछ देना चाहता हूँ। ओआरओपी का एरियर आपको क्यों नहीं मिला और जिनको मिला है कब तक ये एरियर मिलेगा, तो ए टू जेड देखिए। सबसे पहले होता है एरियर मिलेगा 31 अगस्त तक, ध्यान रखें 31 अगस्त से पहले पहले जो अभी बेनिफिशरीज हैं ओआरओपी का, डेली बेसिस में क्रेडिट हो रहा है, उनको इंतजार करें और थोड़ा पेशेंस रखें। मैं बता दूं अभी 2-3 दिन छुट्टी भी थी सैटरडे संडे और अभी 15 अगस्त, तो इसीलिए शायद आपको नहीं आया होगा, लेकिन आज से फिर से आपका जो एरियर है वो स्टार्ट हो जाएगा आना। दूसरी बात, यहां पे आपको पता चल जाएगा जितने भी हमारे पेंशन धारक और पेंशन भोगी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, इक्वल एमएसपी पे सुनवाई है 6 सितंबर को। जी हाँ, 6 सितंबर को शाम 3 बजे, तो आपको 6 सितंबर का वेट करना पड़ेगा। अभी है, अभी तकरीबन आपको पता है 20 दिन है बचे हुए, आज 16 है, तो 20 दिन बाद 6 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो आपको उस दिन आपको क्या निष्कर्ष निकल के आता है भूतपूर्व सैनिकों का, क्योंकि अभी आपको पता है कि इक्वल एमएससी 15,500 इसलिए किया जा रहा है। साथ ही बता दें जितने भी हमारे ओवर्स एंड जीसीओस की जो वैकेंसी आती है वो भी हम यहाँ बताते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको वैकेंसीज और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। सैनिक जवानों के लिए बहुत जरूरी निवेदन है, ये भी देखें, सैनिक जवानों भाइयों से, पूर्व सैनिकों से, सर्विस कर रहे हैं मतलब कि जवानों से, परिवार से, सभी से निवेदन, कमांड हॉस्पिटल बस अस्पताल आदि में ओपीडी के दिनों के बारे में जानकारी नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे भाई एक दिन की ओपीडी के लिए हफ्ते से भी अधिक समय ओपीडी की वेटिंग, घर में परिवार से दूर, धक्के खाने से मजबूर हो जाते हैं। पिछले 14 दिन के अंदर तकरीबन मुझे 28 से 30 फोन आ चुके हैं, लेकिन हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आपको बता दें कि आप लिखा है, इसीलिए सभी सेवा कर रहे हैं या सैनिक जवान जितने पूर्व सैनिक है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि हमें नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर, देखिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर दिया हुआ है नायक, इस पे कॉन्टेक्ट करके आप इनसे, सबका सैनिक कमेटी के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है भाइयों, आपकी खींची गई एक फोटो से किसी भी जान बच सकती है। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी जान बच सकती है और बहुत सारे जवान भाई तथा उनके परिवार होने वाली परेशानी इसे बचेंगे और आपको दुआएं भी मिलेगी। आपके सहयोग से हम सभी मुख्य अस्त्र वाले ओपीडी की जानकारी पूरे देश में सैनिक को पहुंचा रहे हैं, आपकी छोटी सी मदद एक बहुत बड़ी मतलब तकलीफ से बचा सकती है। तो आप जरूर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके देख सकते हैं, नंबर शो हो रहा है और आप इस चीज़ से बच सकते हैं। चलिए और भी क्या क्या न्यूज़ है मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ओआरओपी की न्यूज़ भी निकल के आई हुई है, साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कुछ अपडेट जॉब से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की 5 वैकेंसी निकल के आई है हरियाणा में। जी हरियाणा जो है आपका उधर इंटरनेशनल एट जलंधर में जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो पर एनम 2.28 लाख पर एनम रहेगी। आपको 12 आवर्स ड्यूटी करना होगा और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट का मतलब है अगर आप अभी इनसे कांटेक्ट करते हैं, नीचे आपको कांटेक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, लैंडलाइन नंबर है 2 और ईमेल आईडी भी है, प्लीज कांटेक्ट AWPO RO जलंधर। तो ये एक्स सर्विसमैन की जॉब भी मैंने एक बता दी। मैं आपको बता दूं कि आप सभी पूछ रहे थे 15 अगस्त के दिन जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब 15 अगस्त में झंडा फहराने गए, तो वहाँ पे एक आपको मेजर दिखी होगी जो क्वीन, जो ब्यूटी क्वीन और डांसर भी हैं, तो वो अभी सेना में मेजर पद पे हैं, तैनात हैं और 15 अगस्त में पीएम के साथ दिखेगी। तो ये महिला जो थी ऑफिसर, महिला ऑफिसर, ये आपको बता दें ये वही थी जो जब मोदी जी झंडा फहरा रहे थे तो उनकी मदद करने में ये तैनात थी वहाँ पे। तो एक हमारे लिए गर्व वाली बात है क्योंकि अभी हमारी जितने भी
रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्मी एयरफोर्स में, अब महिला को भी भागीदारी उतनी ही हो रही है और इनको भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी गर्व वाली बात है। हमारे राजस्थान की तरफ से एक एक्सरिसमेंट जॉब निकल के आई है जो कि जैसलमेर में है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। देखिए आज की सैनिक खबरों में आपको तमाम सैनिक खबरें हम देते हैं, ऐसे ही डेली बेसिस में आपको सैनिक खबरें मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो मिलते रहे। 128 पैदल वाहिनी, ये जो पर्यावरण राजदीप सिंह मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में है राजस्थान में, भर्ती सूचना दिया हुआ है। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी वैकेंसी है, आप जरूर अपने सेवा दीजिए अगर इंटरेस्टेड है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं